Merciful. Respected students, friend, follower, you are most welcome in our online academy, the ESL Academy of Linguistics and Literature. Our contact number is 0305-6319-464. Respected student, today we'll see theories of Bertolt Brecht in Galileo drama. Galileo ke andar jo theories usne istemal ki hum jo wo dekhenge. चैप्टर 10 की लाइन टू लाइन टेक्स्ट देखेंगे. इसके अंदर इसका मैं ओवरऑल आइडिया जरा आपको बता देता हूं. चैप्टर 10 के अंदर 10 साल गुजर चुके हैं एक डेकेड का अरसा. डेकेड को कहते हैं 10 ईयर टाइम गुजर चुका है और 10 ईयर में ग्रेलियो ग्लेली का जो नॉलेज है बतौर साइंटिस्ट वो पूरे रोम में पूरे इटली में फैल चुका है. ही इज हैविंग गुड रेपुटेशन एंड फेम अक्रॉस द इटली के अक्रॉस दीगर कंट्री में जो सराउंडिंग साथ के कंट्री हैं वहां पे पता है कि ग्लेलियो ग्लेली एक साइंटिस्ट है, बड़ा अजीम साइंटिस्ट है और उसके बारे में बैलेट्स बनाए जा रहे हैं. बैलेट सॉन्ग्स, लोग सॉन्ग सर्कस के अंदर रिलीजियस सेरेमनी के अंदर उसके सॉन्ग गाते हैं. मकसद बर्टोल्ट ब्रेकेट का मकसद यह है कि आप लोगों को रियल लाइफ कराना कि आपने उस कैरेक्टर के साथ अपनी इमोशन को साथ साथ बहते नहीं जाना. आप ये वॉच कर रहे हैं, ड्रामा देख रहे हैं, भाई यू आर मेकिंग अवेयर, यू आर बीइंग टोल्ड बाय बर्टोल्ट ब्रेकेट, यू आर वॉचिंग ड्रामा माय डियर, कम ऑन, इट्स ड्रामा, इट्स नॉट रियल. आप कहीं ग्लेलियो ग्लेली के साथ ये ना देखें कि भाई ग्रेलियो ग्लेली परेशान होता है तो आप भी परेशान हो जाएं. अब अपने आपको उसने क्या साथ सॉन्ग और बैलेड और इस तरह की वो चीजें दिखा रहा है ताकि आपको वो गेस्टस और इस तरह की चीजें दिखा के आपको क्या शो करना चाह रहा है. इट इज अ मेयर ड्रामा, सो डोंट वरी अबाउट दिस, बी ऑब्जर्वर. तो आप देखते हैं कि हर एक सीन जो है उसकी एक अलहदा से एक सेपरेट लाइफ है, एक सेपरेट उसका स्टाइल है, एक सेपरेट वो शो किया जा रहा है और आपको एज ए ऑब्जर्वर दिखाया जा रहा है, ना कि आप उसके साथ साथ बहते जाएं ग्लेलियो ग्लेली के. और यहां पे भी देखें जी 10 साल का अरसा जो है वो बीत चुका है, उसके सॉन्ग बन गए हैं, लोग उसका नाम लेते हैं सर्कस के अंदर, रिलीजियस सेरेमनी के अंदर और कार्निवल्स और उसके अलावा पैम्फलेटियर्स, सिंगर्स और इस तरह के जो लोग हैं वो उसको अपना एक सॉन्ग बनाए हुए हैं और उसको कहा जाता है कि ये बाइबल बस्टर है. बाइबल बस्टर कि बाइबल के रूल्स को तोड़ने वाला है. बाइबल के अंदर लिखा हुआ है आवर लॉर्ड आवर गॉड हैज सेट अप दिस अर्थ एंड दिस नेवर शेक, लेकिन वो कहता है कि ये छोटी सी जमीन है और ये सूरज के गिर्द घूमती है और ये एक प्लैनेट है. ठीक है, उसने क्या डिडक्टिव मेथड क्या इस्तेमाल किया, उसने कहा कि ऑल द प्लैनेट्स, जैसे कॉपरनिकस ने कहा कि ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, सो आवर प्लैनेट इज आवर जमीन, आवर अर्थ इज आल्सो अ प्लैनेट, इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन. उसने कहा ये भी रिवॉल्व करता है, ये कोई खड़ा नहीं है, ये साकन नहीं है, ये मूवमेंट में ऐसे रोटेट करता है उसके गिर्द, ये भी एक तो प्लैनेट है. उसने डिडक्टिव मेथड को अप्लाई किया और उसके बाद उसके ऊपर थीसिस और रिसर्च और उसके बाद वो इंपेरिकल एक इंक्वायरी करता है और उसके बाद थीसिस लिखता है और अल्टीमेटली जो अजम्पशंस होती हैं उनको एक एक ड्राफ्ट की फॉर्म में ओवरऑल वो बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से साबित कर देता है. कोपरनिकस के नजर जो उसका नजरिया था, कोपरनिकस ने जो आइडिया दिया था उसको अल्टीमेटली वो क्या, पहले तो वो एक मफरूजा था, अजम्पशन थी या एक हाइपोथेसिस थी, लेकिन अब उसने वो क्या उसको टेस्टिफाइड कर करके अपनी टेलीस्कोप के थ्रू उसको लिख दिया और उसको उसकी बुक लिख दी है. तो ही इज वेरी प्रोमिनेंट, वो बड़ा प्रोमिनेंट हुआ है और उसके नाम के सॉन्ग गाए जा रहे हैं, सिंगर गा रहे हैं और उसको बाइबल बस्टर कहा जा रहा है. लेट्स सी चैप्टर नंबर 10. रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, यू आर लिसनिंग टू द वॉइस ऑफ सरराना. आवर कॉन्टेक्ट नंबर इज 0305-6319-464. लाइन टू लाइन टेक्स्ट ग्लेलियो ग्लेली. ड्यूरिंग द नेक्स्ट डेकेड, यानी 10 साल के जो नेक्स्ट जो डेकेड है उसमें क्या हुआ है, ग्लेलियोज डॉक्ट्राइन, ग्लेलियो का जो अकीदा है, ग्लेलियो का जो डॉक्ट्रिन है, जो उसका डॉक्ट्रिन है, जो उसका आइडिया है, स्प्रेड अमंग द कॉमन पीपल, आम लोगों में वो फैल गया है.
बैलेड सिंगर्स, गाने गाने वाले, सॉन्ग गाने वाले, आपने देखा होगा कि जो शादियों पे, सेरेमनी में, रिलीजियस सेरेमनी पे, उनके चर्चेस के अंदर इस तरह के जो सॉन्ग गाते हैं, एंड पैम्फलेटियर्स और राइटर्स जो हैं, पब्लिशर जो हैं, जो बुक्स लिखते हैं, पब्लिश करते हैं, पैम्फलेट लिखते हैं, उनके पास भी ये बात पहुंच गई यार, वो उसके बना बना के क्या पैम्फलेट प्रिंट करके और उसके नाम से उसे बाइबल बस्टर कहा जा रहा है कि बाइबल के रूल को ब्रेक करने वाला। Every year's take-ups, new idea. हर जगह एक नया आइडिया चला गया है। In a carnivals, carnivals, ये carnival का मतलब लिख लें कि इसका मतलब भी एक religious company है, group है। Of 1632, many Italian cities choose astronomy as a theme of their guild's carnival procession. Carnivals, आप कह लें कि एक circus है, एक ceremony है, processions. रिलीजियस सेरेमनी होती है उसे कहते प्रोसेशन। तो जितने भी शो थे, गिड्स शो कंपनी रिलीजियस प्रोसेशन, ये सारा इसका मतलब है। यानी गिड्स कार्निवल प्रोसेशन का मतलब ये है कि ग्रुप ऑफ पीपल जो उसके अंदर गाते हैं, मिलके गाते थे, उनके अंदर इसको शामिल किया गया। एस्ट्रोनॉमी, चूज एस्ट्रोनॉमी एज अ थीम ऑफ द गिड्स कार्निवल प्रोसेशन। गिल्ड का मतलब शो, कार्निवल यानी ग्रुप, जितने लोग मिलके जो गाते हैं, प्रोसेशन जो एक रिलीजियस मकाम पे वो गा रहे हैं मिलके, तो इसको ओवरऑल कहते हैं। तो इन जगहों पे, ऐसी प्लेसेस पे इसके एस्ट्रोनॉमी का जो थीम है वो पीछे रखा जाता है और उसके बाद उस थीम के मुताबिक ही वो क्या करते, गाते और ये प्रोमिनेंट करने की कोशिश करते। हाफ स्टार्ब्ड कपल ऑफ द फेयर गॉड, यानी ये बताया जा रहा है कि ये लोग जो हैं ये गाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हाफ स्टाफ्ड कपल ऑफ द फेयर ग्राउंड पीपल्स विद द बेबी एंड द 5 year ओल्ड गर्ल एंटर अ मार्केट प्लेस वेयर अ पार्टी मैस्क्ड क्राउड इज अवेटिंग द कार्निवल्स। कार्निवल का मतलब लिखें ग्रुप, बैंड, लोग, कंपनी जो गाएंगे, प्रोसेशन, रिलीजियस सेरेमनी पे गाने वाले लोग। The two of them are carrying bundle. उनमें से दो ने बंडल उठाए हुए हैं, वही जो सामान है जो मिलके वो गाएंगे और वो वहां पे प्लेस करेंगे। A drum, उसके पास ड्रम है, and their utensils. उनके पास utensil है, टूल्स हैं, इक्विपमेंट हैं, वो उन्होंने उठाए हैं। utensil का मतलब लिखें इक्विपमेंट, टूल्स, आप gadgets, ये gadgets जो हैं ये इनके पास हैं। और ये क्या है, गाने गाने वाले हैं, सॉन्ग सेरेमनीज पे गाने वाले हैं, मिलके गाते हैं, रिलीजियस सेरेमनी पे जाते हैं, ठीक है, और ऐसे मकामात पर जाके गाते हैं। और वो ग्लेलियो का जो आइडिया है, जो उसको जिस जो उसने कॉपरनिकस से लिया हुआ है, कि सारे सियारे जो हैं वो घूमते हैं सन के इर्द गिर्द, वो उसी थीम को रखते हैं। और वो बाइबल, बाइबल उसे बस्टर कहते हैं, बाइबल को रूल को ब्रेक करने वाला। हाफ स्टाफ एक ऐसा है जैसे भूखा, एक भूखा कपल है और फेयर ग्राउंड पीपल विद द बेबी, और उनके साथ एक बच्चा है 5 year जो कि 5 साल का बच्चा है। ओल्ड गर्ल एंटर, यानी और एक यानी 5 year ओल्ड, 5 साल, एक उनके पास बेबी है और वो भूखा कपल है, और ऐसे जैसे कि वो चेहरे से भूखे नजर आते हैं, और 5 साल की उनके साथ बच्ची है जो मार्केट प्लेस में आते हैं। और उन्होंने उनके साथ वेयर आ पार्टली मार्क्स क्राउड इज अवेटिंग द कार्निवल्स, और उसमें एक मार्क्स पहने हुए हैं क्राउड ने, वो उनका वेट कर रहे हैं प्रोसेशन के लिए, उस रिलीजियस मकाम पे गाने के लिए। द टू ऑफ देम आर कैरिंग बंडल, उनमें दो ने उन्होंने बंडल उठाए हुए हैं, ड्रम और यूटेंसिल्स, ये इक्विपमेंट। अब वो क्या करेंगे, वो सॉन्ग गाएंगे। द बैलेड सिंगर, इस सारे ओवरऑल 10 सीन का मकसद ये है कि आपको बताना भाई, ये सॉन्ग दिखाना और उसको अंदर शामिल करना, और आपको ये बताना कि भाई आप उस करैक्टर के साथ ही ना बहते जाएं, उस करैक्टर के फ्लो में, उसकी इमोशन में, पैशन में, और आप बतौर ऑब्जर्वर बैठेंगे, ना कि करैक्टर और फीलिंग पैशन में बहने वाले लोग। यू विल ऑब्जर्व व्हाट इज हैपनिंग, इट इज अ कम ऑन, इट्स अ प्ले, इट्स नॉट रियल। तो आपको ये बताना चाह रहा है बर्टोल्ट ब्रेक्ट। बैलेड सिंगर ड्रमिंग ऑनर्ड इनहैबिटेंट्स लेडीज एंड जेंटलमैन, कहता ओनर इनहैबिटेंट्स ए रिस्पेक्टेड इनहैबिटेंट्स, यहाँ के रहने वालों, लेडीज एंड जेंटलमैन, टू इंट्रोड्यूस यू ग्रेट कार्निवल प्रोसेशन, आज आपको जो अजीम कार्निवल प्रोसेशन, ये जो हम यहाँ पे बैंड, ये जो हम प्ले करने जा रहे हैं म्यूजिक या रिलीजियस सेरेमनी,
ऑफ द गिल्ड. गिल्ड का मतलब लिखें क्लब, लोगों का या ऑर्गेनाइजेशन का. जो हम यहाँ पे म्यूजिक प्ले करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू परफॉर्म द लेटेस्ट सॉन्ग फ्रॉम द फ्लोरेंस. हम फ्लोरेंस से एक लेटेस्ट सॉन्ग जो है आपके सामने प्ले करेंगे, विच इज नो बींग संग ऑल ओवर द वर्ल्ड नॉर्थ इटली, जो कि आजकल पूरे शिमाली इटली में ये गाया जाता है. एंड हैज बीन इंपोर्टेड बाय अस एट वास्ट एक्सपेंस. और ये हम इंपोर्ट करके लाए हैं, हम वहां से इसको लाए हैं अपने वास्ट एक्सपेंस, बड़े एक्सपेंडिचर लगा के, कहता है जी बड़ा कॉस्टली हम ये सॉन्ग वहां से लाए. इट इज कॉल्ड, इट्स कॉल्ड, इसको कहा जाता है ये हॉरिबल डॉक्ट्रिन्स एंड ओपिनियंस ऑफ द मास्टर्स गैलीलियो. ये मिस्टर गैलीलियो का एक ओपिनियन है और ये बड़ा हॉरिबल अकीदा है, यानी वो क्योंकि रिलीजियस अकीदे के खिलाफ था. उस वक्त चर्च जो था डोमिनेंट था, और डोमिनेटेड चर्च के वो खिलाफ था, और वो उसके ऊपर क्या करते, उसको गैलीलियो के ऊपर वो शो करते ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा आए कि ये कैसा कीदा आ गया. कहते हैं कि टीएस इलियट ने सबसे ज्यादा शेक्सपियर का नाम था तो उसने उसको क्रिटिसाइज किया था. अगर आप कोई नमाया काम करते हैं तो सारे लोग जो हैं वो आपकी तरफ हो जाएंगे, वो आपको देखेंगे. अब गैलीलियो गैलीली जो है वो उस वक्त के डोमिनेटेड चर्च को, एक डोमिनेंट चीज है उसको वो चैलेंज कर रहा है, तो सारे अब कौन आ गया इतना बड़ा जो अब यहां पर कोई बैठ के कोई छोटा सा कंट्री जो है वो अमेरिका को चैलेंज कर दे तो सारे उसकी तरफ देखने लग जाएंगे. और छोटा सा कंट्री, इतने बड़े कंट्री को उसने चैलेंज कर गया, वो डर गया. तो बिल्कुल इसी तरह ओपिनियन ऑफ द मास्टर गैलीलियो गैलीली, हम गैलीलियो गैलीली का डॉक्ट्रिन, उसका ओपिनियन जो है इसमें लाए हैं, बड़ा हॉरिबल है इसके अंदर. फेजिस्ट टू द कोर्ट ऑफ अ फोरकास्ट ऑफ ये फ्यूचर्स ही सिंग्स, यानी वो क्या करता है, ही सिंग्स यानी वो गाता है, फोरकास्ट करता है फ्यूचर के बारे में. देखिए यहां पे नीचे है जी, व्हेन द ऑलमाइटी मेड द यूनिवर्स, जब ऑलमाइटी ने इस यूनिवर्स को बनाया, ही मेड द अर्थ एंड देन ही मेड द सन, उसने इस जमीन को बनाया, फिर कहता है देन ही मेड द सन. वो कहते हैं जी सबसे पहले जमीन को बनाया था, उसके बाद सन को बनाया. अब ये तो उनका अकीदा है ना कि पहले जी जमीन को बनाया, उसके बाद सूरज को बनाया, ये उसके अंदर लिखा है उनकी बाइबल के अंदर. तो वो कहता है ये ऐसे है. देन राउंड द अर्थ ही बेड द सन टू टर्न, बेड का मतलब होता है हुक्म देना. फिर उसने कहा, हुक्म दिया जमीन को, एंड राउंड द सन अर्थ ही बेड द सन टू टर्न, उसने कहा कि अब जमीन मैंने बना दी, पहले मैंने जमीन बनाई, उसके बाद सन को हुक्म दिया कि वो इसके गिर्द घूमता रहे. अब देखिए ना, ये तो उनका अकीदा था, और जो इसके खिलाफ चलेगा वो उसके खिलाफ. अगर आप नहीं मान रहे बाइबल को तो आप बाइबल को रिजेक्ट कर रहे हैं, आप बाइबल को रिफ्यूट कर रहे हैं, आप बाइबल बस्टर हैं, आप बाइबल के ब्रेक को रूल कर रहे हैं. उन रूल्स को जो उनके गॉड ने उसके अंदर बताए हैं उनकी बुक के अंदर, वो कहते हैं जी ये इसको रूल को तोड़ रहे हैं. बाइबल के अंदर बहुत सारी चीजें जो है अनसाइंटिफिक है. अगर आपने मजीद इसको चेक करना हो तो जैकर नाइक ने बहुत सी अनसाइंटिफिक चीजें जो हैं वो पॉइंट आउट की हुई है. मैं आपको उसका लिंक कभी सेंड कर दूंगा, उसको सुन लीजिएगा. द राउंड देन राउंड द अर्थ ही बेड्स द सन टू टर्न, दैट इज इन द बाइबल जेनेसिस चैप्टर वन. जेनेसिस चैप्टर वन के अंदर कहता लिखा हुआ है, ये मेरे पास बाइबल पड़ी हुई है, मैं उसमें से कुछ आपको सेंड कर दूंगा, ये पढ़ भी लीजिएगा. That is in the Bible, Genesis chapter 1. कहता है Genesis chapter 1 है जो Bible का, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि सबसे पहले God ने सन को बनाया, सबसे पहले जमीन को बनाया, फिर सन को बनाया, फिर सन को हुक्म दिया भाई इसके गिर्द घूमता रहे, इसको इधर उधर नहीं जाना. Our Lord Sun book का वो हवाला देते थे, Our Lord, our God, He has set this earth and it never shake. इसको सेट कर दिया अपनी जगह पे, ये यहां से हिलती नहीं है. अब अगर कोई इसको खिलाफ चलेगा तो वो बाइबल जो है चर्च चूंकि उस वक्त डोमिनेट है और वो उसके खिलाफ हो जाएगा. अब ये आइडिया जो है प्रवील कर रहा है पूरे इटली में और क्रॉस द इटली और इर्द गिर्द के कंट्रीज में, गैलीलियो गैलीली का नाम है और 10 साल गुजर गए हैं, लोग जो है उसको गाने गाते हैं, सॉन्ग गाते हैं, बैलेट बन रहे हैं, पंफलेट लिखे जा रहे हैं और बुक्स लिखी जा रही हैं, पंफलेट जो है वो पॉप के पास पहुंच गए हैं. 11 चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि पॉप जो है इंक्विजिशंस जो है वो दोबारा बुलाएंगे कि व्हाट आर यू डूइंग, पीपल आर राइटिंग अगेंस्ट चर्च, व्हाट इज दैट, गैलीलियो व्हाट आर यू डूइंग,
they will ask and question him and even they will call him in room. Next chapter mein hum dekhenge. So the circle were all women. Aur phir kya circle ban gaya woman. Ki ek circle ban gaya, wove ho gaya uska, bun gaya. Around the greater went the smaller. Yani bade ke gird chote jo hain wo ghoomte hain. Around the greater went the smaller. Greater ke इर्द गिर्द कौन घूमता है स्मालर वो फिर वो अपना भी हवाला देते हैं सबसे ऊपर बिशप होता है उसके पीछे छोटे आते हैं उसके बाद उससे छोटे आते हैं फिर वर्कर आते हैं ओवरऑल वो पूरा बताएगा अराउंड द पेस सेटल्स द क्रॉलर्स पेस पेस होता है चलना सेटल्स पेस सेटल्स द क्रॉलर और उसके बाद जो क्रॉलर हैं वो उसके गिर्द घूमते हैं ऑन द अर्थ इट इज द हेवंस कहता है अर्थ के इट इज अ हेवन अर्थ के ऊपर ही हेवन है और अराउंड द पोप द कार्डिनल्स और पोप के गिर्द जो है वो कार्डिनल घूमता है अराउंड द पोप द कार्डिनल यानी पोप जो बड़ा है तो कार्डिनल उससे छोटा है अराउंड द कार्डिनल द बिशप और कार्डिनल के गिर्द का क्या क्या होता है यानी बड़े जो है छोटे जो है वो बड़े के गिर्द घूमते हैं यानी वो समझते हैं कि जमीन बड़ी है ये सारे छोटे हैं अराउंड द कार्डिनल द बिशप कार्डिनल के इर्द गिर्द बिशप होते हैं अराउंड द बिशप द सेक्रेटरीज सेक्रेटरी जो है वो बिशप के आगे पीछे होते हैं अराउंड द सेक्रेटरीज द एल्डरमैन्स एल्डरमैन्स जो है वो सेक्रेटरीज के इर्द गिर्द होते हैं अराउंड द एल्डरमैन्स द क्राफ्टमैन और क्राफ्टमैन के इर्द गिर्द कौन होता है लिख लें एल्डरमैन्स होते हैं अब ये सारे जो है वो कहता है जी अपने अपने इस तरह ये घूमते रहते हैं उसने सारों के जो नाम है वो बता दिए कि ये सारे जो हैं इर्द गिर्द घूमते हैं कहता अराउंड द बिशप द सेक्रेटरीज और सेक्रेटरीज जो हैं वो बिशप के गिर्द अराउंड द सेक्रेटरी द एल्डरमैन्स अराउंड द एल्डरमैन्स द क्राफ्टमैन्स अराउंड द क्राफ्टमैन्स सर्वेंट्स ये सारा उसने एक उन्होंने सर्कट उन्होंने एक पूरी एक सीरीज बनाई है अराउंड द एल्डरमैन द क्राफ्टमैन ये वो सॉन्ग गा रहे हैं कि कोई ये नहीं कि जैसे उन्होंने अपनी तरफ से बनाया है कि इस तरह बाइबल में लिखा है कि बड़ा जो है उसके गिर्द छोटे घूमते हैं तो ये सारा उसने ऑर्डर बना के उन्होंने वो उसके सॉन्ग गा रहे हैं अराउंड द एल्डरमैन द क्राफ्ट्समैन अराउंड द क्राफ्ट्समैन द सर्वेंट्स यानी ये अगर आ जाए तो आपने रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट इसका फिर बताना है इसका बैकग्राउंड अराउंड द सर्वेंट्स डॉग्स चिकन्स एंड पैकर्स ये वो कहता है ये सारे इस तरह एक दूसरे को फॉलो करते हैं ये एक तरतीब बनी हुई है द गुड पीपल इज द ग्रेट ऑर्डर्स ऑफ द थिंग्स कहता अजीम लोग जो हैं वो ऊपर होते हैं हमेशा आगे जी ऑर्डूज ऑर्डिनम्स एज थियोलॉजियंस कॉल इट रेगुला एटरेंस एटेंशन एटरेंस द रूल्स ऑफ रूल्स यानी उसका वो उसने तर्जमा किया आगे द रूल ऑफ रूल्स यानी रूल्स के ये रूल्स का एक रूल है यानी ये सारे रूल्स हैं उनका एक रूल उन्होंने बनाया बट व्हाट डियर पीपल हैपेंड लेकिन तुम्हें पता है कहता कि क्या हुआ आगे सिंह वो फिर गाता है दूसरा अप स्टूड द लर्नड गैलीलियो यानी कौन उठा गैलीलियो जो है वो लर्नड गैलीलियो अप स्टूड यानी उठो गैलीलियो चक्ड का मतलब होता है छोड़ देना दूर कर देना अबैंडन कर देना मतलब लिख लें चक्ड अवे द बाइबल्स बाइबल को अबैंडन छोड़ दिया उसने वाइप्ड आउट द टेलीस्कोप टुक अ क्विक लुक एट द यूनिवर्स यानी टेलीस्कोप को छोड़ो अबैंडन करो बाइबल को उसने क्या कर दिया छोड़ दिया वाइप्ड आउट हिज टेलीस्कोप टुक अ क्विक लुक एट द यूनिवर्स और उसने क्या किया टेलीस्कोप के लिए बड़ा क्विक जो है यूनिवर्स का लुक लिया है या देखा है उसने एंड टोल्ड द सन और उसने बताया स्टॉप देयर रुक जाओ यहां पे फ्रॉम नो द होल क्रिएशन क्रिएशन डिल विल टर्न्स एज आई थिंक फेयर्स यानी सारी चीजें जो है पूरी क्रिएशन जो है जैसे मैं सोचता हूं वैसे कहता है ठीक है द बो स्टार्ट टर्निंग फ्रॉम द टुडे हिज सर्वेंट स्टैंड एंड स्टेयर्स बॉस जो है वो टर्न करता है और उसके बाद हिज सर्वेंट्स जो स्टैंड एंड स्टेयर और उसके सर्वेंट जो है उसके ऊपर देखते रहते हैं खड़े रहते हैं और देखते रहते हैं घूरते रहते हैं नो दैट्स नो जॉक ये सारा वो सॉन्ग एक पोएटिक फॉर्म में गा रहा है नो दैट्स नॉट जॉक ये जॉक नहीं है माई फ्रेंड इट इज नॉट मैटर स्मॉल और ये कोई छोटा मामला भी नहीं है ईच डे आवर सर्वेंट इंसुलेंस इंक्रीज
इंश्योरेंस का मतलब होता है रूट, किसी का बुरा बिहेवियर। हर दिन जो है हमारे जो सर्वेंट्स हैं उनका जो बुरा बिहेवियर है वो बढ़ रहा है। बट वन थिंग इज ट्रू, एक चीज ठीक है, फ्लैशेस आर फ्यू, यानी खुशियां बहुत कम है। आई आस्क यू ऑल, मैं तुम सबको कहता हूं, ये देखें ये सारा रिदम में वो गाएगा, हु वुडंट लाइक टू से एंड डू जस्ट एज ही प्लीज, हु वुडंट लाइक, कौन नहीं ये चाहता, कौन ये नहीं चाहेगा टू से, ऐसा कहना, टू जस्ट एज ही प्लीज, जैसा वो चाहता है। आप देखें वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये गैलीलियो गैलीली ये कहता फिर रहा है, उसे चाहिए कि ये छोड़ के ऐसा ना कहे। ऑनरेबल इनहेबिटेंट्स, मेरे रिस्पेक्टेड रहने वालों यहां के, सच डॉक्ट्रिन्स आर अटरली इम्पॉसिबल, ऐसा डॉक्ट्रिन ऐसा बिलीव तो बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि ऊपर कुछ लिखा है बाइबल में, ये कुछ कहता फिर रहा है। ही सिंग्स, वो गाता है, द सर्फ स्टे सिटिंग ऑन हिज आर्स, आर्स सर्फ का मतलब लिखें वर्कर, काम करने वाले, कमी लोग काम करने वाले उनको कहते हैं सर्फ। द सर्फ स्टे सिटिंग ऑन हिज अर्स, अर्स होता है घोड़ा, कोई डंकी इस तरह। तो सर्फ जो है वो अपने एस पे बैठे हैं, किसी छकड़े पे, किसी एस पे, किसी अपने हॉर्स पे, डंकी डंकी पे। दे स्टर्निंग टर्न्ड हिज हैट, और वो अपने सर को इधर करते हैं, एक साइड पे करते हैं। द आल्टर बॉयज, आल्टर बॉयज जो अल्टर बॉय है, द बॉय हु इज गोइंग टू अल्टर और समवेयर, वोंट सर्व द मैस, वो लोगों को सर्व नहीं करता, काम करने वाला जो बॉय है वो लोगों को सर्व नहीं कर रहा। द अप्रेंटिस लाई इन द बेड, और जो अप्रेंटिस है, प्यूपल कह लें, वर्कर कह लें, फॉलोअर कह लें, उसको अप्रेंटिस कहते हैं। द अप्रेंटिस लाई, और अप्रेंटिस जो है वो लेटा हुआ है, ये सारा सॉन्ग गा रहा है। नो नो माई फ्रेंड, नहीं नहीं ऐसा नहीं माय फ्रेंड, द बाइबल इज नो मैटर स्मॉल, बाइबल का जो मामला है वो छोटा नहीं है। अब देखिए ये गा गा के वो अपना एक नाम बना रहे हैं उधर। वंस लेट देम ऑफ द लीड इनडीड ऑल लॉयल्टी सीज, अगर हम इस मामले को छोड़ देते हैं तो सारी लॉयल्टी जो है वो खत्म हो जाएगी, यानी बाइबल का जो मामला है वो आम नहीं है, बहुत बड़ा है, हमें उस लॉयल्टी को नहीं छोड़ना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। वन थिंग इज ट्रू, एक चीज सच है, फ्लैशर्स आर फ्यू, खुशियां बहुत कम है। आई आस्क यू ऑल, मैं तुम सबसे कहता हूं, ये सारा वो एक रिदम के साथ गा रहा है। Who wouldn't like to say and do just as he please? कौन नहीं चाहता कि वो जो चाहता है वो कहता फिर। Good peoples are all kindly take a glance at the future as foretold by the learned Dr. Galileo Galilei. और कहता है जो नेक लोग होते हैं वो kindly take a glance, सारे जो लोग हैं good अच्छे लोगों को एक तरफ देखना चाहिए future के ऊपर, as foretold the learned Dr. Galileo, जैसे के उसने एक प्रडिक्शन दी है, फोरटोल्ड का मतलब होता है प्रडिक्शन, जैसे कि प्रडिक्शन जो है बड़े पढ़े लिखे डॉक्टर ग्लेलियो ग्लेली ने दी है। टू हाउस कहता है, टू हाउसवाइफ स्टैंडिंग बाइंग फिश, दो हाउसवाइफ जो हैं वो देख रही हैं, खड़ी हैं और फिश बिक रही है तो वो देख रही हैं। डोंट लाइक द फिश दे आर शोन, लेकिन जो फिश वो चाहती हैं, जो उनको दिखाई दे रही हैं, वो इनको पसंद नहीं करती। द हाउस फिश, द फिश वाइफ टेक्स अ हंक ऑफ द ब्रेड, एक जो फिश वाइफ है वो एक मॉर्सल लेती है, एक लुकमा लेती है, एक उसका पीस लेती है ब्रेड का, एंड ईट देम ऑल अलोन, और अकेली खाती है। द मेसन्स क्लियर्स द बिल्डिंग, और जो बिल्डिंग बनाने वाला जो मिस्त्री है वो क्या करता है, बिल्डिंग साइट, वो बिल्डिंग बनाता है। एंड हॉल्स, एंड हॉल्स द बिल्डर स्टोन्स, और बर्डन जो है, एंड हॉल का मतलब लिखें बर्डन, एंड बर्डन द बिल्डर स्टोन्स, और बिल्डर के ऊपर क्या करता है, उसका बर्डन डालता है। एंड वेन द हाउस इज फिनिश्ड क्वाइट, जो हिनुश जो है हाउस जो है खत्म हो जाता है, ही कीप्स हिज एज हिज ओन, तो जब वो कहता है एक बिल्डर जो है बना लेता है या वो काम उनसे करवा लेता है, तो फिर उसके बाद वो क्या कहता है, ही कीप इट इज ओन, वो फिर अपना उसे बना लेता है। कैन सच थिंग बी माई फ्रेंड, क्या ऐसा हो सकता है, इट इज नो मैटर स्मॉल फॉर इंडिपेंडेंट spread like foul disease, कहता है ये कोई छोटा मामला नहीं है, और आजाद ये बिल्कुल कहता है कि बुरी बीमारी है। But one thing is true, लेकिन एक चीज बिल्कुल सच है, pleasures are few, कहता है खुशियां बहुत कम है। I ask you all, मैं तुम सबसे कहता हूं, who wouldn't like to say and do just as he please, कौन ये नहीं चाहता कि वो जैसा सोचे वैसा कहता फिर। The tenants give his landlord health,
not caring the least, जो tenants जो हैं वो क्या करते हैं, अपने landlord के साथ क्या करते हैं, उनको उनके लिए काम करते हैं, not caring in the least, और बिल्कुल वो उनका care नहीं करते. His wife now feeds her children well, अब उसकी जो wife है अपने बच्चों को feed करती है, खिलाती है. On the milk she feeds a priest, उसी milk को, यानी वो जो बच्चों को खिलाती है वही मिल्क जो उसे अपने बच्चों को खिलाना चाहिए पिलाना चाहिए वो एक प्रीस्ट को पिलाती है, दूध देती है, यानी अपने हिस्से का भी जो खाना है वो किसको दे देती है, प्रीस्ट को. नो नो माय फ्रेंड द बाइबल इज नॉट मैटर स्मॉल, बाइबल का मामला कोई छोटा नहीं है. वंस लेट देम ऑफ द लीड इन डीड ऑल द लॉयल्टी सीज, अगर हम इसे छोड़ देते हैं तो हमारी लॉयल्टी खत्म हो जाएगी, फेयरनेस खत्म हो जाएगी बाइबल के. बट वन थिंग इज ट्रू, लेकिन एक चीज सच है कि प्लेयर्स आर फ्यू, आई आस्क यू ऑल हु वुडंट लाइक टू से एंड डू जस्ट ही प्लीज, वो यानी एक चीज है तो वो एक रिदम के साथ गा रहे हैं. द सिंगर्स वाइफ, आई लेटली वेंट अ बिट टू फार, आई लेटली वेंट अ बिट टू फार, मैं जरा देर से, सिंगर्स की वाइफ कहती है मैं लेटली जरा बहुत दूर से आई हूं और मैं लेट हो गई. एंड टोल्ड माई हस्बैंड आई वुड सी, और मैंने अपने हस्बैंड से बताया कि मैं बाद में मिलूंगी. इफ आई कुड गेट सम अदर फिक्स्ड स्टार, अगर मैं किसी दूसरे स्टार को, यानी अदर फिक्स्ड स्टार में अगर दूसरे स्टार को देख सकती या उनको गेट या उनको मैं देख सकती, कहती है अगर मैं देख सकी इन दूसरे स्टारों को, आई डू वट ही डज फॉर मी, मैं देखूंगी कि वो मेरे लिए क्या करते हैं. बैलेट सिंगर, नो 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 स्टॉप Galileo, स्टॉप Galileo, तुम Galileo तुम रुक जाओ. वन टेक अ मैड डॉग मजल ऑफ इट्स, मजल ऑफ का मतलब लिखें छोड़ देना किसी को, उसकी रस्सी को काट देना, मजल का मतलब होता है पिंजरे में डालना किसी को, मजल ऑफ उसको छोड़ देना, अकेला मजल हो तो उसका मतलब है मजल, किसी को कैद करना, मजल ऑफ उसको छोड़ देना, रिलीज कर देना. कहता नो 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 स्टॉप Galileo, स्टॉप स्टॉप Galileo तुम रुक जाओ. वन टेक अ मैड डॉग मजल ऑफ इट्स स्प्रेड डिजीज, अगर हम पागल डॉग को छोड़ देंगे तो उसकी डिजीज फैल जाती है. पीपल मस्ट कीप देयर प्लेस, सम डाउन्स एंड सम ऑन टॉप, लोगों को अपनी अपनी जगह पे रहना पड़ेगा, चुपना पड़ेगा ऊपर नीचे टॉप पर. ऑल्दो इट्स नाइस फॉर वन टू जस्ट एज वन प्लीज, हाँ अगर चाहिए ठीक है कि जैसे एक चाहता है वो वैसे करे. बोथ आगे था, गुड पीपल हु हैव ट्रबल्स हियर बिलो इन सर्विंग क्रूअल लॉर्ड्स एंड जेंटल जीसस, यहां पे लोग जो हैं वो बड़ा बुरा महसूस करते हैं. हु हैव ट्रबल्स हियर बिलो, कहता है कि इस हमारे यहाँ यहाँ पे लोग जो हैं वो बड़ा बुरा महसूस करते हैं. सर्विंग क्रूअल लॉर्ड्स एंड जेंटल जीस, यानी बुरे क्रूअल लॉर्ड को, जालिम बादशाह को सर्व करने से और जेंटल जीसस को, यानी उसने चर्च की मिसाल दी, एक साइड पे चर्च है एक साइड पे जालिम हुक्मरान है. हु बिड यू टर्न अदर चीक्स जस्ट सो, हु टर्न्स, हु बिड यू टर्न्स अदर चीक्स जस्ट सो, दे आर बेटर प्लेस द स्ट्राइक द सेकंड ब्लो, यानी जीसस ने कहा था कि अगर कोई आपको एक साइड पे थप्पड़ मारे चीक्स पर तो दूसरा भी उसके आगे करना चाहिए. ओबीडियंस इज नॉट गोइंग टू क्योर योर वो, तुम्हारी जो ओबीडियंस है, परेशानियां जो है, तुम्हारी जो फर्मा बरदारी है वो तुम्हारी परेशानियां काम नहीं करती. सो सच ऑफ यू वेक अप एंड गो एंड जस्ट एज ही प्लीज, तुम लोगों को कहता है तुम सबको क्या उठना चाहिए और डू जस्ट एज ही प्लीज, और तुम्हें वो करना चाहिए जैसा वो चाहता है, जीसस चाहता है. द बैलेट सिंगर्स ऑनर्ड इनहेबिटेंट, यू विल नो सी Galileo, Galileo अमेजिंग डिस्कवरी, आप वो ना Galileo, Galileo का कोई प्रोटोटाइप सामने लाएंगे, उसका कोई पपड़ सामने दिखाएंगे कि जस्ट एज ए ऑडियंस को अम्यूज करने के लिए. बैलेट सिंगर ऑनर्ड इनहेबिटेंट, यू विल नो सी द Galileo, Galileo अमेजिंग डिस्कवरी, आप तुम Galileo, Galileo की अमेजिंग डिस्कवरी देखोगे. द अर्थ सर्कलिंग अराउंड द सन, आप क्या कर रही है, जमीन जो है सन के गिर्द घूम रही है. देखिएगा, ही द बिलेबर्स, बिलेबर का मतलब लिखें प्ले हैवी ब्लोस, इसका मतलब यह है कि प्ले हैवी ब्लोस. ही बिलेबियर्स द ड्रम्स वायलेंटली, बिलेबियर का मतलब होता है कि बड़ी जोर जोर से मारना ड्रम के ऊपर, वो बीट ले, वो वायलेंटली बीट रहा उसको. अब जो सिंगर है, द वुमेन्स एंड चिल्ड्रन स्टेप फॉरवर्ड, बच्चे और जो बूढ़े हैं, बच्चे और जो औरतें हैं वो आगे बढ़ते हैं. द वुमन होल्ड अ क्रूड इमेज ऑफ द सन, अब औरत ने ना एक सन का ऐसे इमेज बना हुआ है
तो वो ऐसे ऊपर उठाया हुआ है। अब ये ना एक प्रोटोटाइप दिखाएंगे कि ये देखो भाई ये सन है, इसके गिर्द जमीन घूम रही है, देखो। अब एक औरत जो है वो आगे आएगी, औरत क्या करेगी कि एक सूरज का इमेज जो है वो आगे शो करेगी बाय द चाइल्ड, लेकिन बच्चा क्या करेगा विद द पंपकिन, वो पंपकिन अपने सर पे रखेगा ओवर इट्स हेड। अब देखें एक साइड पे उसने सूरज लगाया, दूसरे साइड पे बच्चे ने अपने सर के ऊपर पंपकिन रख लिया, कद्दू टाइप होता है अपने सर पे रख लिया, उसको जमीन शो कर रहा है। अब वो ऐसे ना उसके गिर्द घूमेगा ओवर इट्स हेड। एंड देखिए लोगों को बताना है ना कि असल मामला क्या है। आपको मैंने गैस्ट्रस बताया था ना, तो गैस्ट्रस ये गैस्ट्रस है। अ पंपकिन ओवर इट्स हेड एंड रिप्रेजेंट द अर्थ सर्कल अराउंड हर, और उसके गिर्द ऐसे घूमने लग जाता है बच्चा। अब देखिए वो उसको एज अ प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं। अब अगर ये बातें अगर ना भी आप अगर एक एक डायलॉग से दिखाएं, बल्कि वो खुद ही समझ जाएंगे ऑडियंस। द सिंगर पॉइंट्स एलेटेडली का मतलब होता खुशी से, लिख लें एलेटेडली मीन खुशी से। The singer points elatedly. Elatedly का मतलब लिखें gleefully, खुशी से, happily, at the child as if it were performing a dangerous leap as it takes jerk step to a single beats on the drum. यानी जैसे जैसे वो बीट करता जा रहा है ड्रम को, तो ऐसे लग रहा है कि जैसे वो कोई बड़ा डेंजरस काम करने जा रहा है, तो उसके इर्द गिर्द ऐसे घूम रहा है बच्चा। यानी वो आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा है स्टेज के ऊपर कि भाई ये मामला है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। Then comes drumming from the rear. Rear, पीछे से कोई पीट रहा है ड्रम को। रियर का मतलब होता है पीछे से। Drumming, ड्रम करना, बीट पीटना। A deep voice, the procession. Procession, जो वो दिखाया जा रहा है, religious ceremony हो रही है। A deep voice, गहरी voice आती है। क्या है जी? Enter two men in rage, pulling a little cart. एक छकड़ा सा पकड़ा हुआ छोटा सा और खींचते हुए इन रेज गुस्से में दो आदमी आते हैं। ऑन एन अब्सर्ड थ्रोन सिट द ग्रैंड ड्यूक्स ऑफ द फ्लोरेंस। अब ग्रैंड ड्यूक और फ्लोरेंस का भी सामने दिखाते हैं, उसका भी एक बना के सिस्टम के वो है जी। एन अब्सर्ड थ्रोन सिट द ग्रैंड ड्यूक फ्लोरेंस, ग्रैंड ड्यूक फ्लोरेंस का वो थ्रोन भी दिखाया जाता है। अ फिगर विद द कार्डबोर्ड क्रोन ड्रेस्ड इन सैकिंग sackings and looking through the telescope, यानी उनका क्रोन दिखाया जाता है डी ग्रैंड ड्यूक का, के जो जो किसमें है तो टेलीस्कोप के थ्रू देख रहा है। यानी वो अब ड्यूक का जो फ्लोरेंस का ड्यूक है उसकी भी इमेज जो है उन्होंने सामने दिखाई है। Above his thrones are signs saying looking for trouble, उसके थ्रोन के ऊपर लिखा है कि जो looking for trouble, ट्रबल को देख रहा है। यानी वो उसके साथ वो इमेज दिखाते हैं टेलीस्कोप की, और ड्यूक जो है वो भी देखता है और साथ वो लिखा हुआ आता है कि लुकिंग फॉर ट्रबल। देन फोर मास्ट मैन मार्च इन कैरिंग अ बिग टर्पोलिन्स। लिखें इसका मतलब लिखें कैनवस। टर्पोलिन का मतलब होता है उन्होंने कैनवस उठाया हुआ, और चार लोग फिर आ जाते हैं। दे स्टॉप एंड टॉस अ पपेट रिप्रेजेंटिंग अ कार्डिनल इन द एयर। वो क्या करते हैं, एक टॉस जो है ना पपट सा ऐसा पकड़ा, वो उसे कार्डिनल को ऐसे ऊपर उछालते हैं। अ डाफ हैज टेकन अ पोजीशन टू वन साइड विद द साइन सेइंग। अब वो उसे ना बहुत छोटा दिखाया जाता है, डाफ का मतलब होता है छोटा, तो उसको ऐसे वो टॉस करते हैं पपट उसका पकड़े कार्डिनल का, तो उसको शो कर रहे हैं कि इनकी अहमियत जो है ना बिल्कुल गिर गई है। आगे देन एज इन द क्राउड अ बिगर गेट अप ऑन हिज क्रचेज एंड डांस। और इसमें क्राउड में से बैगर, सॉरी ये बैगर है, द न्यू एज नई एज आ चुकी है। इन द क्राउड अ बैगर गेट्स अप इन हिज क्रचेज एंड डांस। और उनमें से एक बैगर जो है आगे क्रचेज होती हैं बैसाखियां उसने पकड़ी हुई हैं, वो अपने बैसाखियों के साथ ऐसे निकलता है और डांस करते स्टैम्पिंग द ग्राउंड टिल द क्रैशेस टू अर्थ। और इतनी देर तक ग्राउंड में क्या करता है, स्टैंपिंग करता है, उछलता है जब तक वो क्रैशेस टू अर्थ, क्रैश नहीं हो जाती है उसकी। वो एंटर ऑन ओवर लाइफ साइज पपेट अ बॉय कैरिंग अ जिगेंटिक बाइबल्स ओपन विद अ क्रॉस आउट पेज। और इसके साथ एक लड़का आता है, बॉय आता है, जिसने हाथ में बाइबल पकड़ी है और वो जो उसके पेपर है वो क्रॉस कर रहा है। फिर वो क्या करता है,
द बैलेट सिंगर, और बैलेट सिंगर आवाज देता है ग्लेलियो ग्लेली द बाइबल बस्टर। ग्लेलियो ग्लेली वो है जिसने बाइबल के रूल को ब्रेक कर दिया है, बाइबल को तोड़ने वाला है, उसके रूल को तोड़ने वाला है। ह्यूज लॉफ्टर अमंग द क्राउड, और सौरा जो मजमा है वो क्राउड, वो चीखें, और उसके बाद लाफ्टर उससे आता है। तो इट इज द सीन नंबर 10। अब जो सीन नंबर 11 है उसका जरा सुन लीजिए, इतना मुश्किल नहीं है, उसकी मैं समरी आपको बताऊंगा। और हाँ जी हाँ जी, ये प्रोटेस्ट हो रहा है। और अगले सीन, अगला जो नेक्स्ट सीन है ना, ये एक जस्ट जैसे कोरस नहीं होता, हम पुराने जितने भी प्ले पढ़ते थे उसमें कोरस होता था, तो वो कोरस बताता था, उसने उसको ब्रेक कर दिया। वो कहता है कि मैं ऑडियंस को थोड़ा सा इंटरेक्ट करके ये बताऊंगा कि वो इस करेक्टर के साथ ही ना बहते जाएं, उसके इमोशन में, पैशन में, वो जैसे जैसे परेशान हो रहा है, कभी वो बना रहा है, कभी वो रिकेंट कर रहा है, कभी, तो ये ना हो कि ये कहें कि ये भी कोई उसी तरह का सीन रिस्टोटल के बनाए हुए रूल्स को फॉलो ना करूं। तो वो कह रहा है कि मैं वो ब्रेक करूं, उसको ब्रेक करने के लिए जो लिंक चल रहा था, देखें पीछे हम यही फील करने जा रहे थे, कभी वो कहत आ जाता है, कभी वो प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो सारे हम फील करने लगे, तो उसने उसको ब्रेक करने के लिए अंदर ये बताया कि ये भाई सीन चल रहा है और ये जो सारे हैं ये सारे मिलके यहाँ पे डांस कर रहे हैं और उसके बारे में बता रहे हैं कि वो इतना मशहूर हो गया है कि लोग जो हैं वो रूम तक, इटली तक उसका नाम जो है वो लेते हैं और उसको कहते हैं कि ये बाइबल के रूल को तोड़। नहीं नहीं, अब हम फोर करेंगे, फोर से हमारा मसला हल हो जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बैकेट से, नेक्स्ट हम समूल बैकेट को पढ़ेंगे जिसका है वेटिंग फॉर द घोड़ो। वेटिंग फॉर द घोड़ो हम जो घोड़ो हम पढ़ेंगे तो वो तो बिल्कुल मिलता जुलता ही है, वो थोड़ा सा, क्योंकि ये जो है मॉडर्न प्ले राइट है तो वो भी इनसे मिलता जुलता ही है। समूल बैकेट आपको बताएगा कि जिंदगी जो है वो मीनिंगलेस है। हम मैं यानी इसको लेके मैंने एक तरतीब बनाई थी कि मैं ये पढ़ा के ना दो पढ़ा के उसके बाद तीसरा वो मिलता जुलता है, तो वो है भी छोटा सा इतना, तो जी मैंने वो ना मिलते जुलते एक आइडियालॉजी है ना। देखिए मेन चीज हाँ जी करें, देखें मैं हाँ जी नहीं इंशाल्लाह इसको हम आपका, अब जैसे पढ़ रही है लाइन टू लाइन टेक्स्ट, अब कोई भी लाइन आएगी आप इसको कवर कर लेंगे। समूल बेकर को पढ़ाऊंगा लाइन टू लाइन टेक्स्ट, उसके बाद एक चेरी ऑर्चर्ड है वो मेरा है मेरे माइंड में कि वो भी आपको पढ़ा दूंगा, ताकि आपके पास एक ही ऑप्शन हो कि तीन तो आप कर लेना, तो अगर वो आ जाए, चूंकि हमें क्वेश्चन भी तो आने हैं, जब हम की लाइन टू लाइन टेक्स्ट पढ़ेंगे तो उनके हम क्वेश्चन भी कर लेंगे। जैसे ये क्लियर हो जाएगा फिर हमें कोई टेक्स्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपने वो पोएट्री पढ़ ली है, आपने फिर क्या करना है, बुक्स जो है हमने वही पढ़नी है, बुक्स पढ़ेंगे, उसकी समरी बता दिया करूंगा, असाइनमेंट पढ़ा दिया करूंगा, और जब मैं आपको करेक्टराइजेशन और डेली बेस पे एक चीज पढ़ा रहा हूं तो आपको तो वो हिफत हो जाएंगी। आप हो गया जैसे चल रही ना इस वक्त, आप वो ठीक चल रही है, आप कोई डाइवर्ट ना हो जाए, आपको कोई आपको मैनिपुलेट करके इधर उधर ना ले जाए, बस आप हम जहां चल रहे हैं ना, अच्छी बात है। चलो कोई बात नहीं, चलो मैं जरा कोर्स फिनिश करवा लूँ तो हमारे पास टाइम होगा, हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। मुझे ये नहीं, अगर आप मुझसे ऐसे पढ़ती रहेंगी तो, अगर आप अकेली भी रह जाएंगी तो मैं आपको तब भी पढ़ाऊंगा, हम छोड़ के दौड़ने वाले नहीं हैं, आई एम विद यू। तो कोई बात नहीं, अगर कोई हमें डिस्टर्ब करने की भी कोशिश करेगा तो वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू मैनेज आवर सेल्फ, वी आर स्टोइक फिलासफर, वी आर स्टोइक स्टोइक। आपको मैं एक दिन लेक्चर सेंड करूंगा, वो सुनिएगा मेरा इस फिलॉसफी के ऊपर। मैन शुड बी वेरी डिटरमिन्ड। एपिक्टेटस सेड, एपिक्टेटस कहता है कि इट इज नॉट अल्टीमेटली द इवेंट दैट डिस्टर्ब यू, इट इज द जजमेंट अबाउट द इवेंट दैट डिस्टर्ब यू, कि इंसान के साथ जो होता है ना वो उतना डिस्टर्ब नहीं करता जितना उसको हम जज करके डिस्टर्ब होते हैं। सो डोंट बी जजमेंटल, सो लेट कम टू द पॉइंट। कहता है कि वो उसके बाद जी बड़ा लाफ्टर होता है, और एनी हो ये टेन सीन, ये सीन नंबर 10 हमारा फिनिश हो गया। 11 की समरी जरा सुन ले मुझसे।
11 की जो समरी है ना उसमें चूंकि बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो चुका है ग्लेडियो ग्लेडी के नाम पे पंफलेट जो है लोग ही जारी कर रहे हैं। एक तो वो इस तरह की कंसर्ट करवा रहे हैं, एक इस तरह की वो प्रोसेशन करवा रहे हैं, रिलीजियस सेरेमनी करवा रहे हैं, उसमें ग्लेडियो ग्लेडी का नाम डाल रहे हैं। ग्लेडियो ग्लेडी को पता ही नहीं है उसके नाम पे पंफलेट जारी हो रहे हैं कि जमीन जो है वो तो छोटा सा सियारा है और वो प्लैनेट है एक दूसरे प्लैनेट की तरह, और ये सेंटर नहीं है, ये बड़ा नहीं है और ये सूरज के गिर्द घूमती है। अब इस नाम के पंफलेट जो हैं वो उस रिलीजियस लोगों के पास भी पहुंच गए, जो फनेटिक लोग हैं, जो एक्सट्रीम किस्म के रिलीजियस लोग हैं उनके पास पहुंच गए। ठीक है जी, अब ग्लेडियो ग्लेडी को जो इंक्विजिशंस हैं, जो उनकी इसकी इंक्वायरी करने वाले हैं, जो पोप के लोग हैं, उन्होंने फिर बुला लिया। ग्लेडियस कंसीडर एंटी क्राइस्ट और पंफलेट जो है उसके नाम के जारी हो गए हैं, लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं। 11 चैप्टर की समरी बता रहा हूं, अगर आप खुद भी पढ़ेंगी तो आप कोशिश करें तो वो पढ़ सकती हैं, अगर नहीं तो आप कोशिश कीजिएगा। कल मैं चाह रहा हूं कि इसको जल्दी जल्दी खत्म करें, कल आप 11 पढ़ लीजिएगा 12 और कल डबल जो है फिर मैं आपको आगे करवाऊंगा। अच्छा, फिर ग्लेडियो के जो पंफलेट हैं वो रिलीजियस लोगों तक पहुंच गए हैं, उन्होंने इसको बुला लिया है। और वहां पे ना ग्लेडियो जब मिलने जाता है मेडिची पैलेस में, उनको मिलने जाता है तो वो उसको अच्छी तरह से नहीं बुलाते, बड़े सर्द मोहरी से उसके साथ पेश आते हैं। एंड्रिया उसकी जो उसकी बेटी है वर्जीनिया और ये ग्लेडियो दोनों गए। ग्लेडियो जो है वो नजरों से अंधा हो चुका है, तो जैसे ही ये वहां पहुंचता है तो इसके दो जानने वाले वहां पे इंक्वेंटर्स के लोग इसको मिल जाते हैं जानने वाले, ये उनको बुलाने की कोशिश करता है वो नहीं बुलाता। तो एक उनसे जानने वाला ग्लेडियो को कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे नाम के पंफलेट जो है वो चर्च के खिलाफ सर्कुलेट हो गए हैं और इस तरह उसमें लिखा हुआ है। कसीमो जो ड्यूक है वो मिलता तो है, वो उसको बुक पेश करने की कोशिश करता है तो उसको इग्नोर करता है। कसीमो उस बुक को इग्नोर करता है बल्कि उससे पूछता है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग बुक ही आस्क अबाउट हिज आइज। ठीक है, ये ओवरऑल इसकी समरी है 11 की, कि वो उसके पंफलेट जारी हो गए हैं, उसका नाम उसमें आ रहा है, वो उसको बुलाते हैं चर्च, उसको इंक्वायर करना चाहते हैं। वहां पे एक वो बुक लेके जाता है, अपनी बेटी को भी साथ लेके वो बुक पेश करता है, वो बुक को नहीं देखते लेकिन वो क्या करते हैं, वो उसको ये पूछता है कि भाई तुम्हारी आंखें कैसी हैं, तो इस तरह वो कहता है कि मेरी आंखें ठीक नहीं हैं। तो ये ओवरऑल समरी है 11 की। उसके बाद मैं कोशिश करूंगा 12, 13 और ये टोटल 15 सीन है इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। जरा दूसरा एक हमारे पास है वो निकालिएगा, असाइनमेंट है, इस असाइनमेंट को देखें। राइट अ डिटेल नोट ऑन थियरीज ऑफ द बर्टोल्ट ब्रैकेट। बर्टोल्ट ब्रैकेट की थीरीज जो है उसने प्ले के अंदर यूज की है वो जरा कहता है डिस्कस करें। बर्टोल्ट ब्रैकेट वाज फेमस जर्मन ड्रामेटिस्ट। इन्हें ये करंट करी है, इनके एमसीडी से मैंने ये क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर ये अगर आप देखें तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएं, वहां पे ये है, आप इसका प्रिंट निकाल लेना, अगर आपके उधर है तो उधर से ले लीजिए, ये आप फॉर द मोमेंट इसी से ओपन कर लें। राइट अ डिटेल नोट ऑन द थीरीज ऑफ द बर्टोल्ट ब्रैकेट। बर्टोल्ट ब्रैकेट की कौन सी थीरीज हैं जो इस प्ले के अंदर यूज करता है, हम उसको थोड़ा सा स्टडी करेंगे। वही चीजें हैं जो हमने पहले डिस्कस की हुई हैं, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो बाहर से कोई नहीं है। बर्टोल्ट ब्रैकेट 1898-1956 ये तो उसकी उम्र है, वॉज अ फेमस जर्मन ड्रामेटिस्ट, पोएट, डायरेक्टर्स एंड ड्रामा क्रिटिक्स। Brackets immensely influenced the poetry and the practice of the 20th century drama. In order to propagate the Marxist idea, Brackett invented a new kind of theater. अब Marxist idea क्या था? परेशान नहीं होना। Karl Marx एक critic था, social critic था। Karl Marx क्या कहता है कि class खत्म हो जानी चाहिए, सारे लोग same होने चाहिए। ये जितने भी capitalist है लोग हैं, इसमें अमीर अमीर होता जाता है, गरीब गरीब होता जाता है, उसका खून चूसते हैं। तो उसने कहा था क्लासलेस सोसाइटी बना के सारों को इक्वल कर दें। क्या करें? क्लासलेस सोसाइटी बनाएं, उसको फॉर्म करें और सारे लोगों को इक्वल कर दें। मार्क्सिस्ट उसे कहते हैं और ये भी उसका फॉलोअर था। ब्रैकेट इन्वेंटेड अ न्यू काइंड ऑफ द थिएटर विच इज कॉल्ड द एपिक थिएटर। वो कहता है पॉलिटिकल आइडिया थिएटर के जरिए हमें देने चाहिए, उनको टीच करना चाहिए, उन्हें ऑब्जर्वर बना के सामने बिठा दो, उनको पहले बता दो भाई ये प्ले जो है हम प्ले करने जा रहे हैं, आपने इसको वॉच करना है कि इसके अंदर हो क्या रहा है, असल में क्या है इसके अंदर, वो फिर उसके बाद कमेंट दे सकेंगे। ही क्लेम
उसने क्या क्लेम किया? He claimed that his epic theatre was meant to make people think as opposed to the traditional Aristotelian theatre. उसके उससे पहले जो थिएटर कौन सा चल रहा था, Aristotelian थिएटर था, उसके अंदर पैशन फीलिंग और लोगों की फीलिंग के साथ खेला जा रहा था, लोगों को जस्ट वहां पे पपट बना के बिठा दिया जाता, वो साथ साथ रोते रहते और रो के बाहर आ जाते, यानी उसमें वो लर्न नहीं कर रहे थे कुछ भी। ये सारा जो है, ये सारी वही पुरानी बातें, इनको जरा आप देख लीजिएगा, नीचे आ जाए एपिक थिएटर, ये एपिक थिएटर से नीचे आ जाए, ये इसे मैं पढ़ देता हूं, एपिक थिएटर। Brecht was a Marxist and he believed that the purpose of art and literature to bring about a social change. Marxist idea का वो follower था। Karl Marx एक ऐसा critic था, वो कहता था कि ये जो capitalism की society है, ये जो capitalist लोग हैं, ये लोगों का इस्तेहसाल करते हैं, सारी classes को खत्म करके classless society बना देनी चाहिए, और ये idea teach करना चाहता था Bertolt Brecht through his theatres। और वो कैसे teach करेगा, अगर emotion passions के साथ खेलता रहेगा तो वो रोते हुए बाहर आ जाएंगे। उसने कहा कि उनको observer बिठा के मैं सामने बिठाऊंगा, estrangement और alienations और इस तरह का distancing technique इस्तेमाल करूंगा और उनको बताऊंगा कि what is going on with them। Capitalism is based upon the exploitations, but the ideology of the capitalism develops a false consciousness and people start thinking that their condition is natural। कहता है ये जो कंसेप्ट है कैपिटलिज्म का, ये इस्तेहसाल करता है पुअर का, और पुअर ये सोचता है कि जो उसके साथ हो रहा है ये नेचुरल है, इसे होने देना चाहिए, ये तो मेरी किस्मत में है। उसकी कॉन्शियसनेस ऐसी डेवलप कर देता है कि उसको कॉन्शियस ही ऐसे कर देता है, वो बेचारा सोचता ही नहीं है पुअर कुछ। तो जब क्लासलेस सोसाइटी बनेगी तो अमीर लोगों को खत्म कर दिया जाएगा, फिर ही क्लासलेस सोसाइटी बनेगी ना, और ऐसे लोगों को तो वो फिर लाइक नहीं करते कैपिटलिस्ट, वो तो ऐसे लोगों को निकाल देंगे। And not the result of the exploitation. वो कहता है कि गरीब भूल ही जाता है कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो बेचारा कहता है कि हाँ मुझे तनख्वाह मिल जाती है 10,000 और मैं अपने बच्चों का सौदा और सामान जो है वो ले आता हूँ, उसके बाद मेरी जिंदगी बड़ी अच्छी गुजर रही है, बस ठीक है जो मेरे साथ ये कुदरती तौर पर, मैं गरीब पैदा हुआ था, गरीब ही मरूंगा, मैं अमीर नहीं हो सकता। तो कहता है ये झूठ है, ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं ये लोग, ये जितने भी कैपिटलिस्ट हैं ये उनका खून चूस रहे हैं। If they are poor, it is their destiny and it has nothing to do with the social and political system. It is the purpose of the art and literature to bring people out of this false consciousness. वो कहता है literature का ये मकसद है, epic theatre का ये मकसद है, जो मैं create कर रहा हूँ चीज theatre, ये लोगों को teach करेगा कि what is good and what is bad, what is classless society, what is the bourgeois class, what is the upper class, what is the middle class, what is the lower middle class, what are the classes and how they are exploiting these people. और ये लोग जितने भी capitalists हैं ये कैसे उनको इस्तेहसाल कर रहे हैं उसका, तो कहता है मैं टीच करूंगा ये फॉल्स कॉन्शियसनेस जो है मैं खत्म करूंगा। कैसे खत्म करेगा? क्लासलेस मार्क्सिस्ट आइडिया के जरिए। वो कैसे टीच करेगा? अपने थिएटर के थ्रू। Brecht वाज ऑफ द व्यू दैट द थिएटर वुड बी क्रिटिकल एंड इंटेलेक्चुअल नॉट इमोशनल। वो उसका व्यू ये था कि उसके जो उसका थिएटर है वो बड़ा क्रिटिकल है, बड़ा अहम है, बड़ा अच्छा है, और वो उनको इंटेलेक्चुअल और उनको इमोशनल नहीं बनाएगा, उनको इंटेलेक्चुअल बनाएगा। बाकी आप देख लीजिएगा, चीजें वही हैं जो हमने बड़ी पहले डिस्कस की हैं, आप अपने लफ्जों में भी इसको लिख सकती हैं। नीचे ट्रेडिशनली एन एपिक इज अ लॉन्ग पोएम टेक्निकली डिराइव फ्रॉम द ओरल ट्रेडिशन। हमने देखा कि एपिक होती थी कि होमर जो है ना वो एपिक लिखता था, लिखता नहीं था वो सुनाता था। होमर आंखों से अंधा था और वो ऊपर बैठ जाता पहाड़ी के ऊपर और वो लोग क्या करते उसके इर्द गिर्द जमा हो जाते, वो उनको लंबी लंबी स्टोरी इस तरह एपिक में सुनाता। इवन के जो ट्रॉय मूवी है वो भी होमर की लिखी, होमर की जो सुनाई हुई है और लोगों ने उसको फिर लिखा और फिर उसको परफॉर्म किया, आप देख लें ट्रॉय मूवी। तो ये लंबी एक स्टोरी होती है, उसमें एक हीरो होता है, उसकी एडवेंचर्स बताई जाती हैं, वो लेजेंडरी किस्म का फिगर होता है, एंड हिस्ट्री ऑफ नेशन की होती हैं, जैसे माँ भारत है हम इधर भारत की जो हैं, तो इस तरह की ये लंबी लंबी स्टोरीज होती हैं। और ये भी देख लें आप कहाँ से, पहला हमने चैप्टर पढ़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और उसके बाद अभी टेंथ पे आए हैं, 11 भी चले हो गया, तो ऑनवर्ड हम चल रहे हैं। तो ये एक लंबा एक जो होता है ना वो होता है एपिक फॉर्म में।
नीचे आ जाएं थोड़ा सा, ये सिंपल चीजें हैं, इसको पढ़ लीजिएगा नीचे है, ही जस्ट स्टैंड अपार्ट एंड डिस्क्राइब, मैंने अंडरलाइन किया हुआ, ही जस्ट स्टैंड अपार्ट एंड डिस्क्राइब द इवेंट्स एंड ओकेजनली कमेंट ऑन द एक्शन। देखिए जितना भी चीजें वो होती हैं कि आपको समझ आ जाए कि क्या है इसके अंदर, एक बहुत लंबा पैराग्राफ ना, अगर आपको पता चल जाए ना इसके अंदर क्या, तो आप अपने लफ्जों में कुछ उधर से भी कर लें कॉपी, कुछ अपने अंदर से भी आइडिया आप डाल सकते हैं। तो जो आपको मुश्किल लग रहे हैं वो आप लाइनें छोड़ भी सकते हैं, ये नहीं कि वही मुश्किल लिखनी है हमने, हम अपनी तरफ से भी कोई अच्छी निशान लिख सकते हैं। ही जस्ट स्टैंड अपार्ट एंड डिस्क्राइब द इवेंट्स एंड ओकेजनली कमेंट्स ऑन द एक्शंस। इट वॉज द ऑब्जेक्टिविटी एंड द स्कोप ऑफ द कॉमेंट्री दैट अट्रैक्टेड द ब्रैकेट दैट ही डिसाइड टू यूज हिज कॉन्सेप्ट ऑफ एपिक थिएटर्स एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिटिकल इंस्ट्रक्शन। तो वो क्या था, उसके ऑब्जेक्टिव जो वहां पे खड़े हैं आपके सामने खड़े हैं एक एक्टर, वो भी कॉमेंट दे रहे हैं, जो आपके सामने हैं वो भी कॉमेंट दे रहे हैं, इस तरह ऑब्जेक्टिव कॉमेंट जो दे के उनको क्या टीच कर लिया जाता, ऑब्जर्वर बना दिया जाता। अब वो अरिस्टोटल के प्ले नहीं रहे, अब ये ब्रेक्टियन प्ले है, ब्रैकेट के प्ले है। From the beginning of his career, Brecht had fought a running battle against a controversial conventional Aristotelian theatres of his day, which he was only delighted in senses without affecting the mind. Earlier in his career, Brecht was haunted by these questions. How can the theatre be entertaining and at the same time instructive? कैसे वो entertaining बन सकता है और कैसे वो इंस्ट्रक्टिव बन सकता है, कि हम इसके जरिए थिएटर के जरिए कैसे ट्रेन कर सकते हैं, कैसे हम इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अपने ऑडियंस को। नीचे आ जाए, ये यहां पे ना कंपेयर किया है एपिक थिएटर और ड्रामेटिक थिएटर को, यहां पे आ जाए। ही फर्स्ट टैबुलेटेड हिज आइडिया ऑन एपिक थिएटर इन 1930 इन विच ही प्रेजेंटेड द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द ड्रामेटिक थिएटर एंड एपिक थिएटर। नीचे आए, क्वेश्चन भी आ जाए तो आपने ऐसे बना के उसको बताना है कि ड्रामेटिक थिएटर और एपिक थिएटर थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, एक्सप्लेन करने के बाद नीचे दोनों को ऐसे वाजे कर दें जैसे इसने कहा। कहता है ड्रामेटिक थिएटर के अंदर एक प्लाट होता है, और प्लाट जो होता है वो सोल होता है, जैसे अरिस्टोटल ने कहा था प्लाट इज द सोल ऑफ द ट्रेजेडी। चले जी, कौन सा प्लॉट है, प्लॉट कहता है कैरेक्टर याद ना रहे प्लॉट याद रहेगा, ये बात तो अरिस्टोटल की ठीक है। शेक्सपियर ने उसी को फॉलो किया अरिस्टोटल को, तो उसने लिखा, अगर किंग लियर को देखें, एक बादशाह है उसकी तीन बेटियां हैं, वो तीनों से पूछता है कि आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो, एक कहती है चांद सूरज सितारों से ज्यादा, दूसरी कहती है चांद सूरज सितारों से, दोनों को सारी दौलत दे देता है, और एक कहती है कि मैं तुमसे मोहब्बत तो करती हूँ लेकिन मेरी शादी होगी तो आधी मोहब्बत मेरे हस्बैंड के साथ रहा। वो कहता है कि तुम सोच लो, कहती नथिंग, वो कहता नथिंग विल गेट नथिंग, उसे कुछ नहीं देता, उन दोनों को सब कुछ दे देता है। मुझे करेक्टर के शायद नाम याद ना हो लेकिन प्लाट याद है। हाँ जी, अथेलो पे आ जाएं। अथेलो एक ब्लैक मूर है और उसकी बहुत प्यारी बीवी है डेस्टोमोना, उसे बहुत प्यार करता था और अयागो उसको गुमराह कर देता है, और अल्टीमेटली वो अयागो के पीछे लाके अपनी वाइफ को मार देता है। नहीं जी, प्लाट उसका मुझे याद है। तो प्लाट जो होता है ड्रामेटिक थिएटर के अंदर, वो सोल होता है, वो सब कुछ होता है, इसमें नैरेटिव होता है, नैरेटिव नरेट करके बताया जाता है, सुनाया जाता है, ठीक है, नरेट, दोनों में बात याद रखिएगा। वो क्या प्लॉट ड्रामेटिक शक्ल में होता है कि वो कैरेक्टर याद न रहे, उसका प्लॉट जो है वो याद रहे, ये इसमें नरेट करके बताया, इसमें सुनाया जाता है, वो पहले पढ़ के सुनाते हैं सामने, ये आपने अपने माइंड में रखना, ये दोनों में फर्क है। प्लीज सबको ऐड करें। इंप्लीकेट्स द स्पेक्टेटर्स इन द स्टेज सिचुएशन। इंप्लीकेट का मतलब होता है किसी चीज का छुपे होना, और वो क्या दूसरे से, किसी दूसरे से जाहिर हो। इंप्लीकेट्स, इंप्लीकेट द स्पेक्टेटर, इंप्लीकेट द स्पेक्टेटर्स इन अ स्टेज सिचुएशन। स्पेक्टेटर जो है वो इंप्लीकेट करते हैं इन अ स्टेज सिचुएशन, स्टेज सिचुएशन से वो देखते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। अब यहां पे वैसा नहीं है, स्पेक्टेटर जो जितने भी स्पेक्टेटर्स हैं देखने वाले, उनको बता दिया जाएगा भाई ये है। टर्न द स्पेक्टेटर टू इन टू ऑब्जर्वर, उनको ऑब्जर्वर बना दिया जाएगा, सब कुछ बता दिया, वो सामने बैठे देख रहे हैं, साथ साथ ऑब्जर्व कर रहे हैं। वियर्स डाउन हिज कैपेसिटी फॉर एक्शन, अरोज़ेस हिज कैपेसिटी फॉर एक्शन,
यहां पे क्या है, वियर्स रोन्स हिज कैपेसिटी फॉर एक्शन और अरोजेस हिज कैपेसिटी फॉर एक्शन। यहां पे एक्शन जो है वो अरोज होते हैं, शो होते हैं, और यहां पे क्या होते हैं, कैपेसिटी फॉर एक्शन। यहां पे एक्शन वो कर, यहां पे एक्शन शो किए जाते हैं और यहां पे उसे करके दिखाया जाता है। प्रोवाइड्स हिम विद सेंसेशंस, इसमें सेंसेशन दिखाई जाती है, अगर उसको एक सेंसेशन में रखा जाता है ऑडियंस को। फोर्स हिम टू टेक डिसीजन, यहां पे डिसीजन लेते हैं, यानी उन्हें पता है सब कुछ दिखाया और वो जानते हैं क्या चल रहा है, एक्सपीरियंस है और ये पिक्चर ऑफ वर्ल्ड है। आगे द स्पेक्टेटर इज इन्वॉल्व इन समथिंग, ही इज मेड टू फेस समथिंग। यहां पे तो उनको सामने हर चीज दिखाई जा रही है, बताई जा रही है, नरेट की जा रही है, पढ़ पढ़ के सुनाई जा रही है, ये करने जा रहे हैं, ये हुआ, एक एक सीन में डिवाइड किया, 15-15 सीन है, और यहां पे तो उन्होंने सामने दिखाते रहना और देखते और देख के उन्होंने उठना है। सजेशन दी जाती है, आर्गुमेंट दिया जाता है। इंस्टिंक्टिव फीलिंग्स आर प्रिजर्व्ड और इसमें ब्रॉट टू द पॉइंट ऑफ द रिकॉग्निशन, यहां पे सामने लाई जाती है। स्पेक्टेटर इज इन द थिक ऑफ इट एंड शेयर द एक्सपीरियंस, और इसमें क्या है, द स्पेक्टेटर स्टैंड आउटसाइड द स्टडी। ह्यूमन बीइंग इज टेकन फॉर ग्रांटेड, द ह्यूमन बीइंग इज ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी, ही इज अनअल्टरेबल, ही इज अल्टरेबल एंड एबल टू अल्टर, इसमें चेंज कर सकते हैं, इसमें नहीं। आईज ऑन द फिनिश, आईज ऑन द कोर्स, यानी ये तो फिनिश होने तक रहती है और यहां पर कोर्स एक चला, दूसरा चला, तीसरा, 15 सीन चलेंगे। वन सीन मेक्स अनदर, ईच सीन फॉर इटसेल्फ, हर सीन का एक लहदा, एक उसकी लहदा ही दुनिया है। ग्रोथ मेंटेक्स, और इसके बाद ये लीनियर डेवलपमेंट और इन कर्व्स, एवोल्यूशनरीज डिटर्म, लीनियर का मतलब होता है कि कोई चीज सीधी प्ले की जा रही है, उसमें कोई वो नहीं है जैसे कि रोक रोक के, इसमें दिखाया जाता है रोक रोक के स्टेज और स्टेजिंग और उसके बाद ट्रैक्शन और एवरीथिंग, ऊपर खड़े हो गए और उसके बाद कैस्टर्स, ये सारी चीजें, जैसे वो एक हाथ में उसने अपने सर पे पंप किन रख लिया बच्चे ने, उधर उसने सूरज पकड़ लिया, वो सालक है, ये क्या है, ये जेस्चर दिए जा रहे हैं, भाई ये हो रहा है। तो इसमें क्या किया जाता है, साथ साथ टीच भी किया जाता है। एवोल्यूशनरी डिटर्मिनिज्म, और इसमें जंप है, और मैन इज एज अ फिक्स पॉइंट, मैन इज एज अ प्रोसेस, थॉट डिटरमिन्स बीइंग्स, और उसके बाद सोशल बीइंग डिटरमिन थॉट्स। लें जी, टेक्निक यूज इन एपिक थिएटर, ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, वर फ्रॉम डंस इफेक्ट, एलिनिएशन, डिस्टेंसिंग, सारा कुछ इसको कहते हैं, इसको फिर पढ़ लीजिएगा साथ, माने भी लिखे। प्रोलिट्रेट का मतलब होता है वर्किंग क्लास, काम करने वाले, ये वही चीजें हैं, आपने इसको पढ़ना है अपने तौर पर। और उसके बाद नीचे गैस्ट्रस है, गैस्ट्रस का मैं बता देता हूँ, गैस्ट्रस होता है कि बॉडली एक्शन होते हैं। मैंने अभी बताया कि एक के बच्चे के सर पे उसने पंपकिन रख दिया और उसने दूर जाके औरत ने क्या पकड़ लिया, सूरज पकड़ लिया और उसके गिर्द घुमाया, ये गैस्ट्रस है। तो इस तरह गैस्ट्रस के थ्रू भी समझाया जाता, टीच किया जाता। उसके बाद कॉन्ट्राडिक्शन है, कॉन्ट्राडिक्शन दिखाई जाती है, ब्रैकेट इज अबाउट एक्सपोजिंग द कॉन्ट्राडिक्शन इन करेक्टर्स इन लाइफ एंड सोसाइटी वी सी वेन वी रीड द अनरियलिस्टिक करेक्टर्स। ये एक ठीक नहीं आया था, ये मैंने डबल किया हुआ, इसको दोबारा देख लीजिएगा, 143 का डबल है पेज। तो नीचे है हिस्टोरिजेशन ऑफ आर क्वेश्चनिंग्स द प्रेजेंट थ्रू द पास्ट, यानी प्रेजेंट के थ्रू पास्ट के बारे में डिस्कस किया जाता है। आप देख लें कि आप पास्ट जो है प्रेजेंट थ्रू द पास्ट, यानी प्रेजेंट को पास्ट के साथ रिलेट करके, आप गैलीलियो गैलीली भी जो है वो पास्ट की स्टोरी है लेकिन वो प्रेजेंट के साथ रिलेट करके समझाई जा रही है। डिस्टेंसिंग फिनोमिना बाय प्लेसिंग देम इन द पास्ट, प्रेजेंटिंग इवेंट्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ द हिस्ट्री। 43 लिखा हुआ है, ये मैंने डबल किया हुआ पेज ना, डबल हो गया, सही नहीं आया था, इसको आपने देखना है। चीजें वही हैं जो हमने पहले डिस्कस की हुई हैं, कोई भी इसमें नई चीज नहीं है। आपने इसमें जस्ट जितना याद रह जाए उतना आपने लिख देना असाइनमेंट में, ये नहीं कि आपने सारा ही पढ़ना है, आप अपने तौर पे भी इसको बना सकते हैं असाइनमेंट को, क्योंकि ये बहुत लंबी लिखी हुई है। म्यूजिक, म्यूजिक द वी इफेक्ट, एलिनेशन इफेक्ट वॉज ऑल्सो मेड पॉसिबल इन एपिक थिएटर विद द हेल्प फ्रॉम द म्यूजिक। ये पेज नंबर है 414, इस पे आया हुआ मैं। म्यूजिक,
इसमें म्यूजिक है, म्यूजिक भी एक विजुअल इफेक्ट है. म्यूजिक द वी इफेक्ट आर द एलिनेशन इफेक्ट वाज आल्सो मेड पॉसिबल इन एपिक थिएटर विद द हेल्प फ्रॉम द म्यूजिक इन मेनी ऑफ द ब्रैकेट्स प्ले वेयर म्यूजिक वाज यूज्ड द म्यूजिशियंस वर सेट अप वेयर दे कुड बी सीन इन द ओरिजिनल बर्लिन प्रोडक्शंस द थ्री पेनी ओपरा द टाइटल ऑफ द सॉन्ग्स वर प्रोजेक्टेड बाय द प्ले कार्ड. ये भी इसका प्ले है, हमने इसका एक प्ले और भी पढ़ा था, तो थ्री पेनी ओपरा जो है वो भी इसका प्ले है, तो उसके अंदर बताया हुआ है. आगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स, ठीक है, यही है. इसको असाइनमेंट को आपने देखना है, इसमें मेन जो है एपिक थिएटर वाली है, बाकी उसकी टेक्निक्स वगैरह हैं, तो यू हैव टू सी दैट. इंशाल्लाह टुमारो.